दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह की बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी और इस वजह से यस बैंक का स्टॉक भी थोड़ा सा दबाव में रहा, लेकिन स्टॉक वहीं पर है जहां पे पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है, यानी 17 के आसपास। यहां पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है और क्या है वो न्यूज, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक में लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है मार्च महीने में। उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर थे, जो बड़े बड़े बैंकों ने यहाँ पे निवेश किया था आरबीआई के कहने पे, यस बैंक के अंदर एसबीआई के साथ साथ दूसरे और बहुत सारे बैंक थे, उनको लॉक इन पीरियड तो अब खत्म हो चुका है, तो अब उनको मौका मिला है प्रॉफिट बुक करने का। तो आप देख लो कि 10 रुपये के आसपास उन्होंने शेयर खरीदे थे, उस हिसाब से निवेश किया था, अब उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें और इसी वजह से एक स्टेबल आप जगह पे दिखाई दे रहा है स्टॉक। लेकिन जल्द ही यहाँ पे देखें तो एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, जब उनकी सारी की सारी जो प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाएगी तब इसके अंदर एक शानदार तेज़ी बन सकती है। तो क्या उसके बाद में निवेश के बारे में सोचना चाहिए या फिर यही मौका अच्छा 17 के आसपास खरीदारी कर लेनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि FI और DI की भी अच्छी खासी खरीदारी है। आगे का रुझान FI का क्या, वो भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या बाजार में तेजी बनेगी या फिर गिरावट का माहौल बन रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,434 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.03% की तेजी थी, यानी मामूली सी तेजी बनी है। वैसे दिन भर दबाव था, अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, बाजार के लिए थोड़ी सी ये राहत भरी खबर है। लेकिन निफ्टी बैंक में गिरावट थी, 44,090 के स्तर पर देख सकते हो कि करीब 108 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.24% निफ्टी बैंक गिरा। PSU बैंक की बात करें तो 4,523 के स्तर पर 0.71% की गिरावट थी, यानी गिरावट काफ़ी बड़ी थी PSU बैंक में। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,819 के स्तर पर 0.05% की मामूली सी गिरावट थी। तो सरकारी बैंकों में गिरावट बनी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, गिरावट जरूर हुई है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज FI ने फिर से बिकवाली कर दी, ये दूसरा दिन है जो बहुत भारी मात्रा में बिकवाली हो रही है। आप देख सकते हो कि आज उन्होंने 7,334 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 9,658 करोड़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,324 करोड़ का है। तो अब आप देख सकते हो कि फिलहाल वो बिकवाल बने हुए, उन्होंने फ्राइडे को भी 3,000 करोड़ के आसपास की भारी बिकवाली की थी, इस महीने में उन्होंने 9,870 करोड़ का माल बेचा है। वैसे पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में लग रहा था कि वो खरीदार बनेंगे, 9 और 10 अगस्त को उन्होंने कुछ खरीदारी की थी, लेकिन फिर से वो फिलहाल बिकवाल बन गए, जिससे लग रहा है कि बाजार में अभी दबाव बना रहेगा। आज DI ने बाजार को संभाला है, 7,640 करोड़ का उनका नया इन्वेस्टमेंट है, सामने 6,179 करोड़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा हो 1,460 करोड़ के आसपास है। इस वजह से बाजार को थोड़ा सा बैलेंस मिला। अभी फिलहाल इस महीने में 6,840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है DI ने, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो बिकवाली है वो FI की ज़्यादा है। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 17.05 पर, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी। 17.10 का हाई भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे बैंकिंग क्षेत्र में दबाव शुरू हुआ इसने भी 16.80 का लो बना दिया, लेकिन फिर निचले लेवल से कुछ खरीदारी हुई और अंत में 16.95 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.59% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 0.5% की गिरावट। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है, पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ के ही डिलीवरी उठाई गई थी, और आज भी 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फूड प्राइस की वजह से, देखें तो इन्फ्लेशन हमारा 15 महीनों के हाई पे पहुँच गया, यानी 7.44% का इन्फ्लेशन है जुलाई महीने में, और ये लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए जो बाजार के लिए चिंताजनक है। तो यहाँ पे देखते हो कि जून महीने में 4.81% की जो इन्फ्लेशन थी वो 7.44% पर पहुँच गई, यानी एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है और पिछले 15 महीनों के हाई स्तर पर पहुँच गया है। इससे पहले मई 2022 में इन्फ्लेशन 7.79% के आसपास था। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है CPI वो 11.51% बढ़ के देख सकते हो कि 4.49% से जून में जो था वो काफ़ी बड़ा है, और रूरल इन्फ्लेशन है वो देख सकते हो कि इस समय 7.69% के आसपास है, जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो 7.20% के आसपास है।
तो यहाँ पे देखो कि जो 53 इकोनॉमिस्ट ने जो पोल किया, उनका पोल का अगर नतीजा देखे तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI इन्फ्लेशन है वो 6.4% तक बढ़ सकता है एनुअल बेसिस पर। इसके पीछे वजह है कि फूड प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। वेजिटेबल की प्राइस में देखें तो जो इन्फ्लेशन का जो असर है वो काफ़ी बड़ा है, 37.34% के आसपास राय देख सकते हो। तो ये बाज़ार के लिए शुभ संकेत नहीं है, आप समझ सकते हो इससे बाज़ार में और दबाव बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी FI इस समय बिकवाली के मोड में बाज़ार में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो महंगाई के आंकड़े बढ़े हैं उसका असर निगेटिव हो सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:17 पर 17 की प्राइस से 14,10,000 शेयरों की खरीदारी हुई, फिर 9:19 पर यहाँ पे देख दो कि 16.95 की प्राइस से 16,63,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, फिर 9:30 पर 16.90 की प्राइस से 18,00,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई, उसके बाद 9:41 पर 17 की प्राइस से 25,20,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई, फिर 9:42 पर 17.05 की प्राइस से 15,42,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई, उसके बाद 9:54 पर 16.95 की प्राइस से यहाँ पे 10,59,000 शेयरों की बिकवाली हुई, तो फिर 9:56 पर 17 की प्राइस से 18,49,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई, उसके बाद 9:56 पर 17 की प्राइस से 30,80,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, तो उसके बाद 10:33 पर 16.95 की प्राइस से 16,26,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई, फिर 10:46 पर 17 की प्राइस से 13,39,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, फिर 10:58 पर 17 की प्राइस से 28,00,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, और उसके बाद 3:09 पर 16.95 की प्राइस से 13,21,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई, फिर 3:10 पर 16.95 की प्राइस से यहाँ पे 11,52,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का एक जैसा माहौल है, आप देख सकते हो कि जितनी बड़ी खरीदारी हो उतनी ही बिकवाली हो रही है, और इसी वजह से स्टॉक की प्राइस भी आपको ज़्यादा बदलती हुई दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी की। आप ये देख ही सकते हो कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ने यहाँ पे 16.53 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150 ने यहाँ पे 12.39 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी यहाँ पे 11.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 10.81 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने भी यहाँ पे 5.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने यहाँ पे 4.49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक के अंदर। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 2.58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 2.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 2.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा 361 क्वांट फंड ने 1.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है, जो इशारा कर रही है कि यस बैंक में तेजी का दौर शुरू होगा। और ये 17 का जो प्राइस है ये काफ़ी मजबूत एक सपोर्ट है इसका, और जैसे बाजार में संभावना पॉजिटिव बनी तो ये स्टॉक यहाँ पे तेजी से दौड़ सकता है और अपनी जो पुरानी हाई इसने बनाई थी 24 को उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। लेकिन जिस तरह से FI बाजार में बिकवाल बने, बाजार में अगर गिरावट हो जाती है तो यस बैंक का स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ सकता है, और इसीलिए अब आप थोड़ी थोड़ी करके इसमें खरीदारी शुरू कर सके, साथ में न करें। वैसे निचली तरफ जाने की संभावना कम है, जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक दौड़ेगा जरूर, क्योंकि बहुत मजबूत कंपनी है। आपको ये पता ही होना चाहिए कि UPI ट्रांजेक्शन के मामले में हर 3 ट्रांजेक्शन में से एक यस बैंक के माध्यम से होता है, और ये इसकी सबसे बड़ी जीत है। तो निवेश आपको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले, ये स्टॉक आने वर्ष में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।